हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें नया क्या है सर, इसके अंदर शेयर सरेंडर का कंसेप्ट है। जो लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो नंबर 1 देखें। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाद में इसको देखें। नहीं मिला तो ऊपर आई बटन आ रहा है उसको क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में देखो आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एस ऑन 31 मार्च 2012। ये रहा बैलेंस शीट। पहले एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड में है मशीनरी 1 लाख का, करंट एसेट्स में स्टॉक 3,20,000, डेटा 2,70,000, बैंक बैलेंस 30,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख। मतलब कंपनी के पास हैवी लॉस है 6 लाख का। आते हैं लाइबिलिटी साइड में, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 10 लाख, 12% डिबेंचर 2 लाख, एक्रूड इंटरेस्ट 24,000। मतलब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट नहीं पे किया अभी तक 24,000, क्रेडिटर 72,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 24,000। पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास एंड सैंक्शन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अकॉर्डिंगली इट वाज डिसाइडेड दैट पॉइंट नंबर 1, ईच शेयर बी सब डिवाइडेड इंटू 10 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बताया था ना सब डिविजन क्या होता है वीडियो नंबर 1 में। हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपीज का शेयर्स को 10 रुपीज का शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग दुकान में चेंज कराते हैं ना, 100 रुपीज का नोट दे दो और 10 रुपए का नोट मिलेगा। तो यहाँ पे सब डिविजन करेंगे, तो शेयर होल्डर अपना शेयर सरेंडर करेंगे 100 रुपीज का और उसके बदले हम उनको 10 रुपए का शेयर्स देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब भी सब डिविजन होता है तो अमाउंट रिमेन सेम। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शॉल सरेंडर टू कंपनी 50% ऑफ दर होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ री इश्यूड डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर एज नेसेसरी। का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर ने 50% ऑफ द शेयर सरेंडर कर दिया कंपनी को, फिर कंपनी क्या करेगी, वो शेयर सरेंडर का जो शेयर्स है ना उसे डिबेंचर होल्डर लोग को क्रेडिटर लोग को शेयर्स इश्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 इंच शॉल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इंच फुल्ली पेड ऑफ। वो शेयर सरेंडर में से प्रेफरेंस शेयर बनाया वो लोग ने 1 लाख। समझा 1 लाख कैसे आया, 10,000 इंटू 10 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट किया। पॉइंट नंबर 4, द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शॉल बी रिड्यूस बाय 75%। डिबेंचर होल्डर का जो क्लेम है वो 75% से कम करना। इन कंसिडरेशन और रिडक्शन को रेड से हाईलाइट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया ना उसके बदले में डिबेंचर होल्डर को हम प्रेफरेंस शेयर देंगे। पढ़ो, द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शॉल बी रिड्यूस बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। डिबेंचर होल्डर शॉल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख विच विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। समझ में आ रहा है, जितना उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया ना उसके अगेंस्ट में हम लोग ने उनको प्रेफरेंस शेयर दिया और बैलेंस डिबेंचर बैलेंस शीट में दिखाई देगा 25%। पॉइंट नंबर 5, क्रेडिटर क्लेम शॉल बी रिड्यूस टू 50% एंड द रिमेनिंग क्रेडिट टू बी सेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू बी सेटल। मतलब क्रेडिटर को पूरा अमाउंट सेटल कर दो। इसका मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिटर नहीं दिखाई देगा। क्या कैसे सेटल करने का, उनको शेयर्स दो आउट ऑफ शेयर सरेंडर। 6th पॉइंट, बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट टू बी राइट ऑफ। लास्ट पॉइंट, शेयर सरेंडर जो बच गया है उसको कैंसिल कर दो। पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान दो। पॉइंट नंबर 1, पहले मैं वर्किंग दिखा देता हूँ, उसका वर्किंग कैसा करोगे, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, ये बताओ प्रॉब्लम में शेयर्स और उसका पेडअप कितना दिया था। शेयर्स और पेडअप और उसका रुपीज बैलेंस शीट में दिया था, देखो 10 लाख रुपीज के फॉर्म में शेयर होल्डर। एक शेयर्स का पेडअप है 100 रुपीज, एक शेयर का पेडअप है 100 रुपीज। तो 10 लाख को 100 से डिवाइड करो तो शेयर्स मिलेगा आपको 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स इंटू 100 करोगे तो 10 लाख आएगा। अभी शेयर होल्डर ने उसको सरेंडर किया,
जब भी सब डिवाइड करेंगे अमाउंट विल रिमेन सेम, ये बात हमेशा ध्यान देना, वीडियो नंबर वन में भी समझाया था आपको, अमाउंट सेम रहता है तो। लेकिन पेड अप कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 करो तो आंसर आएगा आपको 1 लाख, शेयर्स बढ़ जाएंगे आपके, समझे। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला, 1 और 2 को साथ में पढ़ो, आफ्टर सब डिविजन इसमें से 50% उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो इसका भी आधा उन्होंने सरेंडर कर दिया, आधा का मतलब 50,000 शेयर्स ही हम इश्यू करेंगे उनको, और 50,000 शेयर्स कंपनी के पास रहेगा। आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स कंपनी हैज इश्यूड ओनली 50,000 शेयर टू शेयर होल्डर एंड बैलेंस 50,000 हेल्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू टू डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर, समझे। 1 लाख में से 50,000 शेयर ही कंपनी ने इश्यू किया शेयर होल्डर लोग को, और बाकी 50,000 शेयर्स कंपनी ने अपने पास ही रखा डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर लोग को देने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये भी शेयर्स है, तो इसको देख के हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे, जूना वाला शेयर हम कैंसिल करेंगे, जूना वाला शेयर कैंसिल करेंगे, नया वाला इश्यू करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिख देना 100 रुपीज, जूना वाला शेयर 100 रुपीज का था उसको हम कैंसिल करेंगे तो 10 लाख रुपीज आएगा। उसके बदले हम नया शेयर इश्यू करेंगे तो लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, नया शेयर 10 रुपए वाला होगा तो लिखेंगे 10। लेकिन कितना इश्यू करेंगे, देखो 50,000 × 10 करना, सुने क्या, 50,000 × 10 तो आंसर आएगा 5 लाख, समझ में 5 लाख कैसे आया, 50,000 × 10 करना, और बैलेंस 50,000 सरेंडर कर दिया उन लोगों ने, हाँ क्या, इसको कहाँ घुमाएंगे, शेयर सरेंडर में, एस एस मतलब शेयर सरेंडर, तो कहाँ घुमाएंगे, टू शेयर सरेंडर, कितना 50,000 × 10, एक बार 50,000 × 10 किया, नेक्स्ट 50,000 × 10 किया तो सेम अमाउंट आएगा 5 लाख। सर नरेशन क्या लिखे, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन तभी मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, बींग 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच सब डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड सरेंडर 50,000 शेयर्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 साथ में पढ़ेंगे, 3 और 4 साथ में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, 4 क्या लिखा था, क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शॉल बी रिड्यूस बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, डिबेंचर होल्डर विल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख विच विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट करके दिखा देता हूं पहले आपको। सो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 किसके बारे में, ये बताओ बैलेंस शीट में डिबेंचर कितना दिखाई दे रहा है, 12% डिबेंचर 2 लाख दिख रहा है, उनका इंटरेस्ट कितना देना बाकी, एक्रूड इंटरेस्ट है 24,000, तो व्हाट इज द टोटल पेमेंट जो डिबेंचर लोगों को देना है, 2,24,000, इसमें से क्या बोलता है 75% उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, 75% निकालोगे तो 1,68,000 आएगा, जितना भी सेक्रीफाइस किया डिबेंचर होल्डर लोग ने वो कंफर्म किधर जाता है आपको मालूम है, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला, जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसके बदले में हम लोग उनको कुछ देना चाहते हैं खुशी में, क्या दे रहे हैं, गिवन फॉर सेक्रीफाइस, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उसके बदले हम उनको कुछ देना चाहते हैं, क्या देंगे उनको, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर देंगे, वो कितना रुपीज का होगा, 1 लाख रुपीज का होगा, समझ में आ रहा है, ये जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया ना उसके बदले में हम उनको प्रेफरेंस शेयर देंगे, तो ये तो कंफर्म कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ये हम एक्स्ट्रा उनको खुशी में दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब बैलेंस कितना बचा, 2,24,000 में से 1,68,000 तो सेक्रीफाइस हो गया, बैलेंस बचा 56,000, जो बैलेंस बचता है ना वही बैलेंस शीट में आता है, ओके। ये बैलेंस है ना, ये किधर दिखाई देगा अपने को, बैलेंस शीट में दिखाई देगा, बोलो ये पॉइंट समझा, 2,24,000 में से 1,68,000 सेक्रीफाइस कर दिया, वो कंफर्म कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, कंपनी उनको प्रेफरेंस शेयर दे रही है जितना भी सेक्रीफाइस किया उसकी वजह से, और बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आएगा,
तो एंट्री पास करेंगे, जूना वाला डिबेंचर हम कैंसिल करेंगे ना, जूना वाला हम डिबेंचर कैंसिल करेंगे, एंट्री नंबर टू पास करेंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लेकिन डिबेंचर कैसे कैंसिल किया, 75% ही कैंसिल किया डिबेंचर, तो 2 लाख का 75% निकालने का, तो 2 लाख का 75% निकालोगे तो आएगा आंसर 1,50,000, और एक्रूड इंटरेस्ट में से कितना कैंसिल किया, सेम 75%, तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, 24,000 था, 24,000 का 75% आंसर आएगा आपको 18,000, तो पूरा मिला के डिबेंचर का कितना हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किया, कैपिटल रिडक्शन में, तो 1,50,000 प्लस 18,000 1,68,000, आप इसका नरेशन लिख देना, बीइंग 75% ऑफ द क्लेम ऑफ द डिबेंचर ऑफ द ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, समझ में आ रहा है, देखो मैच कर लो इसको, 2 लाख का 75%, 24,000 का 75% आएगा आंसर 1,68,000, इसी को हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर किया, रुको, उसके बाद हमने उनको प्रेफरेंशियल भी तो दिया, इसका एक एंट्री पास करेंगे, तो हमने प्रेफरेंस शेयर दिया तो कहां से दिया, शेयर सरेंडर में से दिया, तो शेयर सरेंडर क्रेडिट है, उसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर दिया, तो शेयर सरेंडर को डेबिट करना, शेयर सरेंडर, कुछ लोग ने अपने शेयर कंपनी के पास छोड़ के चले गए थे, तो वो शेयर को हम यूज करेंगे डिबेंचर को देने में, तो टू क्या दिया हमने उनको सर, प्रेफरेंस शेयर दिया ना, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा, कितना शेयर इश्यू किया 1 लाख रुपीस का, इसका नरेशन लिख देना, इसका नरेशन लिखना, बीइंग प्रेफरेंस शेयर इश्यू टू डिबेंचर होल्डर फॉर सैक्रिफाइस मेड, ओके फिर से बोलो, बीइंग प्रेफरेंस शेयर इश्यू टू डिबेंचर होल्डर फॉर द सैक्रिफाइस मेड, पॉइंट नंबर 4, तो सुनो ये दोनों का लिंक था, ये दोनों का लिंक था, आगे बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ जाओ, अगला एडजस्टमेंट है क्रेडिटर लोग का, द क्रेडिटर क्लेम शॉल बी रिड्यूस 250% एंड द रिमेनिंग क्रेडिट टू बी सेटल बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर, तो ध्यान देना इसका वर्किंग करता हूं, तो ये बताओ वर्किंग नोट नंबर 3 करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 ये बताओ प्रॉब्लम में क्रेडिटर कितना दिया था, क्रेडिटर था 72,000, क्रेडिटर का क्रेडिटर लोग ने सेक्रीफाइस कितना किया 50%, 50% आता है 36,000, कन्फर्म हो किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, और बैलेंस कितना बचा, ऑफ कोर्स बैलेंस 50% बचा, वो भी 36,000 ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला है पढ़ो, क्रेडिटर क्लेम शॉल बी रिड्यूस 250% ना रिमेनिंग क्रेडिटर, दिस इज द रिमेनिंग क्रेडिटर, ये रिमेनिंग है ना, एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर टू बी सेटल बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब इसके बदली में हम लोग उनको क्या दे रहे हैं, गिवन इक्विटी शेयर कितने का 36,000 का टू सेटल द ड्यूज, इनका जो ड्यूज था ना, देखो इनका बैलेंस 36,000 था, उसके बदली में हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो गिवन इक्विटी शेयर 36,000 टू सेटल द ड्यूज, इसका मतलब जरा दिमाग चला, ये तो कंफर्म कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, अभी इसके बदली में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं ना, तो ये भी अभी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो इसको भी किधर घुमाएंगे, कैपिटल रिडक्शन में, समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा और ये भी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ये तो जाएगा क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ये तो कंफर्म कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ये भी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा क्योंकि इसके बदली में हम उनको शेयर्स दिए ना यार, ओके तो ये भी कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दे, तो मोर द स्टोरी दोनों कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा, देखो इसमें और इसमें बहुत फर्क है, डिबेंचर में क्या हुआ था, उन्होंने सेक्रीफाइस किया ना, उसके बदली में हम उनको शेयर दिए, क्रेडिटर में क्या हो रहा है, उनका जो बैलेंस है ना, बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस, उसके बदली में हम उनको शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, तो इसका एंट्री पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट होता है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, एंट्री आएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे पूरा 72,000, इसका नरेशन लिख देना, बीइंग क्रेडिटर क्लेम ऑफ 50% ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन एंड फॉर द बैलेंस
इक्विटी शेयर बिंग इश्यूड, इसीलिए पूरा का पूरा 72,000 कैपिटल रिडक्शन ने ट्रांसफर किया। नेक्स्ट, लेकिन प्रॉब्लम में और क्या बोले थे, 36,000 को सेटल करने के लिए हम उनको इक्विटी शेयर देंगे, तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे ना आउट ऑफ शेयर सरेंडर, कितने का, 36,000 का। एंट्री आएगा शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का शेयर इश्यू करेंगे, 36,000 का। इसका नरेशन लिख देना, बींग शेयर इश्यू टू क्रेडिटर टू सेटल द ड्यूज आउट ऑफ शेयर सरेंडर, फिर से बोलो, बींग शेयर इश्यू टू क्रेडिटर टू सेटल द ड्यूज आउट ऑफ शेयर सरेंडर। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये देखो इन दोनों का लिंक है, क्रेडिटर और शेयर्स का लिंक था। आगे बढ़ते हैं, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट का एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट था ना 6 लाख, उसके बारे में बोल रहे हैं, द बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, तो पीएनएल अकाउंट होता है डेबिट, उसको कैंसिल करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को। तो एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का, 6 लाख का। तो 6 लाख हमने कैंसिल कर दिया, नरेशन लिख देना, बींग पीनल अकाउंट रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट, शेयर सरेंडर एंड नॉट री इश्यूड शॉल बी कैंसल, तो बोलता है शेयर सरेंडर जो आपने इश्यू नहीं किया ना उसको कैंसिल करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम जितना भी एंट्री पास किए ना उसका पोस्टिंग करेंगे, ठीक है ना, जितना भी एंट्री पास किया उसका पोस्टिंग करेंगे। दो लेजर हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक का नाम बोल देना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और एक एक्स्ट्रा बना देना जिसका नाम है शेयर सरेंडर, शेयर सरेंडर, क्योंकि इसमें से दो एंट्री हमें इसमें से मिलेगा, इसीलिए दो एक्स्ट्रा लेजर बना देना। तो सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट एंट्री, देखो फर्स्ट एंट्री क्या पास किए थे, इक्विटी शेयर टू शेयर सरेंडर, तो शेयर सरेंडर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर, शेयर सरेंडर का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 5 लाख, अपने सामने जितना अमाउंट लिखा है वो ही लिखने का। ओके, देखो शेयर सरेंडर क्रेडिट साइड में 5 लाख लिखा है ना, बस वही लिखना, नाम किसी और का लिखने का, अपने सामने जो अमाउंट लिखा वही लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट, अगला एंट्री था 12% डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे इसको, कैपिटल रिडक्शन में क्या लिखेंगे, 168 को तोड़ के लिखेंगे बाय डिबेंचर बाय इंटरेस्ट 18,000, कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे बाय कितना परसेंट डिबेंचर, 12% डिबेंचर कितना, 1,50,000, और उसका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 18,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, शेयर सरेंडर में से हमने प्रेफरेंस शेयर दिया, तो शेयर सरेंडर का डेबिट में लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर सरेंडर का डेबिट में लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना, 1 लाख का। नेक्स्ट एंट्री, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर हो गया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर ने सैक्रिफाइस किया था ना, तो कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, कितना क्रेडिटर लिखेंगे, 72,000। नेक्स्ट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, शेयर सरेंडर में से हमने इक्विटी शेयर दिया था क्रेडिटर लोग को, तो शेयर सरेंडर का डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर 36,000, शेयर सरेंडर का डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000। एंड द लास्ट, हमने पीएनएल अकाउंट को राइट ऑफ किया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो कैपिटल रिडक्शन का डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना सर, 6 लाख। ऑलमोस्ट सब एंट्री का पोस्टिंग करने के बाद देखो, शेयर सरेंडर 5 लाख था, उसमें से 1 लाख इश्यू कर दिया, 36,000 इश्यू कर दिया, अभी भी शेयर सरेंडर में पैसा बचा है ना, तो प्रॉब्लम बोला था उसको कैंसिल कर दो, जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, उसको किधर घुमाओगे, कैपिटल रिडक्शन में, कितना बचेगा सर, 3,64,000 का। समझ में आया 3,64,000 कैसे आया, ये 3,64,000 जो ट्रांसफर के कैपिटल रिडक्शन में, इसका एंट्री क्या बनेगा, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, समझ में आ रहा है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, इस पहले एक एंट्री पास करेंगे,
इसके एक एंट्री पास करेंगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो एक एंट्री आपका बढ़ जाएगा। एंट्री पास करेंगे शेयर सरेंडर, समझ में आई एंट्री कहां से है, इसके लिए आप लेजर बनाने का, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना 3,64,000। इसका नरेशन लिख देना, बिंग बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन बैलेंस। हा नेक्स्ट कैपिटल रिडक्शन को भी हम टैली करेंगे, कैपिटल इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में किधर से है, शेयर सरेंडर में से है, कितना 3,64,000। लास्ट में कैपिटल रिडक्शन टैली करो, कैपिटल रिडक्शन टैली करो, टोटल कर लेना, टोटल आएगा 6,04,000। यही लिखो 6,04,000, इसमें से 6,00,000 माइनस करो, अभी भी बैलेंस बचता है 4,000। वो कहां घुमाएंगे, कैपिटल रिजर्व में, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट हो गया। कैपिटल रिडक्शन का डेबिट से में डिफरेंस आएगा, बोलते ना कैपिटल रिजर्व, तो इसका एक एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि लाइफ में वन टाइम होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो जितना भी पैसा बचता है प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते, एंट्री आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व रिजर्व है बैलेंस शीट में दिखाई देगा, रिजर्व के अंदर कितना 4,000। नरेशन लिख देना, बिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो 8 एंट्री समझ में आया, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8। अभी इसका बेस पे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देना एंड रिड्यूस्ड, वो लिखना पड़ता है एंड रिड्यूस्ड एस ऑन डैश कर देना, पर्टिकुलर रूपीज में, नोट टू द अकाउंट नहीं बना रहा है, आपको एग्जाम में टाइम मिला तो बना सकते हो, एग्जाम में अगर टाइम नहीं मिला तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी लायबिलिटी में पहले क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, इसमें दो शेयर कैपिटल आता है इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर। ये बताओ इक्विटी शेयर यहां पे इश्यू किया था 5,00,000 का, है ना, नया शेयर, और यहां पर हमने इक्विटी शेयर इश्यू किया था, याद करो 36,000 का, तो वो 5,00,000 का और 36 कितना हो गया, 5,36,000 हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5,36,000 का इक्विटी शेयर हो गया, प्लस हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, हमने प्रेफरेंस शेयर किसको इशू किया था, देखो पॉइंट नंबर थर्ड में हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था ना 1,00,000 का, तो ये भी बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो 5,36,000 इक्विटी शेयर है और 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर है, टोटल कर देना, टोटल आ जाएगा आपको 6,36,000 का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में कौन सा रिजर्व लिखेंगे, एक ही रिजर्व लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, याद करो अभी कैपिटल रिजर्व क्रिएट किए थे, देखो ये कैपिटल रिजर्व क्रिएट किए थे ना 4,000 का, तो रिजर्व बैलेंस शीट में आता है ना, कितना दिखाई देगा बैलेंस शीट में, रिजर्व दिखाई देगा 4,000 का। ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जिसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी उसमें क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में याद करो बैलेंस शीट में ये डेबेंचर था ना, डेबेंचर 12% डेबेंचर इतना कैंसिल किए थे, बैलेंस शीट में डेबेंचर कितना था, बैलेंस शीट में डेबेंचर 2,00,000 था, बरोबर बैलेंस शीट में डेबेंचर 2,00,000 था, 1,50,000 कैंसिल किया तो बैलेंस डेबेंचर कितना बचा 50,000, तो बैलेंस शीट में डेबेंचर कितना लिखेंगे, इसमें कितना है 12% डेबेंचर आया, सुने 12% डेबेंचर आया, कितना बचा डेबेंचर, कितना बचा डिबेंचर बैलेंस बचा है 50,000, समझ में आया कैसा है 50,000। देखो बैलेंस शीट में डिबेंचर था 2,00,000, 2,00,000 में से 1,50,000 कैंसिल किया तो बैलेंस बचा 50,000, एक्रू इंटरेस्ट इसमें नहीं लिखते लॉन्ग टर्म बोरिंग में, समझे, तो 50,000 समझ में आया कैसा आया, 2,00,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो 50,000 बचा, एक्रू इंटरेस्ट इसमें नहीं शो करते वो अलग शो करते। पॉइंट नंबर थर्ड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी उसमें क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रू
इंटरेस्ट, याद करो 24,000 था एक्रूड इंटरेस्ट, 24,000 था बैलेंस शीट में, उसमें से 18,000 हमने कैंसिल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 6,000, उतना ही लिखेंगे 6,000। तो याद रखना है थोड़ा सा बातें, डिबेंचर में मत ऐड करते ना एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में अलग शो करते हैं अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स था ना बैलेंस शीट में, कितना था 24,000, ये स्टेज पे टोटल कर देना, लिख देना टोटल, तो टोटल आएगा आपको 7,20,000 का। अब आते हैं एसेट्स, सेकंड पार्ट एसेट्स, सेकंड पार्ट एसेट्स। एसेट्स में नंबर वन क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहले क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, मैं शॉर्टकट लिखा हूं, फुल फॉर्म लिख देना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें क्या लिखोगे, टेंजेबल, टेंजेबल में क्या लिखेंगे, एक ही मशीनरी था हमारे पास तो ब्रैकेट में लिख देना मशीनरी। ओके, तो मशीनरी कितना लाख का मशीनरी है, प्रॉब्लम है मशीनरी कितने का था, 1,00,000 का था ना, तो सीधा सीधा लिख देंगे मशीनरी है 1,00,000 का। नेक्स्ट मशीनरी के बाद और कुछ नहीं है, पॉइंट नंबर टू करंट एसेट्स, पॉइंट नंबर टू करंट, करंट एसेट्स में इन्वेंटरी लिखेंगे, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कितना लिखेंगे 3,20,000। इन्वेंटरी के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल तो कितना लिखेंगे सर, ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000। एंड द लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, उसको कुछ भी नहीं किया हमने, एज इट इज लिख दो 30,000, टोटल कर देना 7,20,000, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार मैं फास्ट रिकॉल कर देता हूँ क्या बातें ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, इस वर्क, इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, वर्किंग, ये वर्किंग ऑफिस रिकॉल कर देता, देखो क्या था, 10,000 शेयर्स, 100 इज 10,00,000 था, उसको सब डिवाइड किया, सब डिवाइड में अमाउंट सेम रहता है, तो 10,00,000 डिवाइड बाय 10 के तो 1,00,000 शेयर है, 1,00,000 में से 50,000 ही शेयर कंपनी ने इश्यू किया, बाकी अपने पास ही रखा। ये 50,000 शेयर का यूज काहे के लिए किया, कंपनी ने डिबेंचर और क्रेडिटर का अमाउंट सेटल करने के लिए किया। नेक्स्ट तो हमने इसका बेस पे एंट्री पास कर दिया, बाद में डिबेंचर लो क्या था 2,00,000+24,224 था, उसमें से 1,68,000 सैक्रिफाइस हो गया, उसके बदली में कंपनी ने उनको प्रेफरेंस शेयर दिया, ये जो सरेंडर किया था ना उसी में से प्रेफरेंस शेयर दिया, और बैलेंस शीट में बैलेंस बचेगा 50,000+6,000, और क्रेडिटर 72,000 था, उसमें से आधा सैक्रिफाइस किया तो वो तो कैपिटल एक्शन में जाएगा, लेकिन जो बैलेंस बचा है ना उसको भी कैंसिल करने बोल रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर देंगे, तो दोनों कैपिटल एक्शन में जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही कैपिटल एक्शन में जाएगा, इधर दोनों कैपिटल एक्शन में जाएगा। ये पॉइंट समझा कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, और ऑन दैट बेस हमने एंट्री पास किया, फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर टू शेयर सरेंडर, सेकेंड एंट्री डिबेंचर एक्रू इंटरेस्ट टू कैपिटल एक्शन, बाद में शेयर सरेंडर में से प्रेफरेंस शेयर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन पूरा सैक्रिफाइस कर दिया, शेयर सरेंडर में से उनको शेयर्स दिया 36,000 का, पीएनएल अकाउंट राइट ऑफ किया। ये कहां से है, इसके लिए आपको शेयर सरेंडर का लेजर बनाना है, ये बैलेंसिंग फिगर है शेयर सरेंडर का जो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा, और ये भी बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल रिडक्शन का जो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना फ्रेंड से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे वीडियो का बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके, बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय। Thank you.